न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चिनाब वैली के जिला रामबन में आज सातवें चरण के पंचायती चुनाव शांतिपूर्ण कराए गए। ब्लॉक रामबन का मुकम्मल हुआ है, पोलिंग मुकम्मल हुई है। हमारे 23 पंचायतें थे और 167 पोलिंग बूथ्स थे। टोटल जो इलेक्टोरेट्स थे, जो भी वोटरान थे, वो 25,884 थे। उसके अगेंस्ट जो पोल हुए वो 21,492 हैं, वो मेकिंग ए परसेंटेज ऑफ 83.03%। गंदरबल में सातवें चरण के लिए मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। जी, यहाँ पे जो सरपंच जो इलेक्शन जो है, ये एक इलाके में जो सड़क की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, बहुत से जो वसाइल है उनके लिए ये जो ये बुनियादी मसाइल है इनके लिए है ये। राजपुरा के लोगों ने पीएचई विभाग के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। सर, मैं इधर राजपुरा का रहने वाला हूँ। यहाँ के सड़क के बीच में बहुत बड़ा खड्डा है, जो रोज दुर्घटना होती है। हमने काफ़ी बार इनको कंप्लेंट की है, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। परेशानी यही है, रोड के सेंटर में इन्होंने स्टाफ का आगे लगाया हुआ है वाल, और वाल में पहले था खड्डा 4 महीने से। खड्डे से रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज एक्सीडेंट। आज 15 दिन पहले एक दिन एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे हमारी शॉप है और मैं यहाँ शॉप का मेंबर हूँ। ये जो आप बता दे रहे हैं, गाड़ी जो जा रही है, तो आए दिन यहाँ पे गाड़ियों के टायर फट रहे हैं। पांडेपुरा ओल्ड टाउन इस्लामाबाद में हुआ ह्यूमन राइट वायोलेशन को लेकर हुआ जोरदार प्रदर्शन। अलग अलग कॉलेज के विद्यार्थियों ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बैच से है, सीबीसी है, जो सिस्टम निकला वो हमारी मतलब बैच से ही निकला, तो हमारी यही मांग है, हमारे रिजल्ट्स निकालिए मेहरबानी और मेहरबानी करके। बाकी कॉलेज में कहीं किसी और यूनिवर्सिटी ने भी एलिजिबल हो, क्योंकि एंट्रेंस इतना लेट हम कहीं नहीं दे सकते ना। अगस्त में अगर एग्जाम स्टार्ट होगा तो फिर हम एंट्रेंस कहाँ पे दे पाएंगे। JRL ने लाल चौक श्रीनगर में किया कैंडल मार्च।